शांति समिति की बैठक में मुहर्रम शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए लिया गया निर्णय। मुहर्रम पर्व को लेकर चतरा जिले के हंटरगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीओ मिथिलेश कुमार व संचालन पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने किया। मौके पर बीडीओ अभिषेक पांडे, थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी समेत दोनों समुदाय के लोग उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित लोगों ने मुहर्रम शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया। लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी अखाड़ा की जानकारी ली गई। सभी अखाड़ा कमेटी से 10-10 लोगों का नाम व मोबाइल नंबर थाना में जमा करने का निर्देश दिया। मुहर्रम जुलूस निर्धारित रूट से ही निकालने को कहा गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। किसी तरह की सूचना मिलने पर पुलिस को देने को कहा। बैठक में 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष प्रभु दयाल यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव, 20 सूत्री उपाध्यक्ष वकील खान, मुखिया ब्रजकिशोर सिंह, मदन चौधरी, जय हिंद पासवान, अजय सिंह, उमेश तिवारी, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद फयाज, एएसआई दिलीप यादव, सोमारू राम, नंदजी यादव, रंजीत कुमार सिंह के अलावा कई उपस्थित थे।